गुजरात में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन। अहमदाबाद की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर सादा निशाना, कहा आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। गुजरात के रण में पीएम मोदी का रोड शो, अहमदाबाद में 5 किलोमीटर के रोड शो से 3 विधानसभा क्षेत्र कवर, भद्रकाली मंदिर में की पूजा अर्चना। गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी ने किया जनसभा को संबोधित, कांग्रेस पर सादा निशाना, कहा गुजरात में पहले चरण में ही जीत का डंका बजा चुके हैं, बनासकांठा में दूसरे चरण में होगा मतदान। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस का बड़ा दाव और कांग्रेस ने किया ऐलान, अगर चुनाव में जीती कांग्रेस तो बनेगा ओबीसी सीएम, प्रदेश में होंगे 3-3 डिप्टी सीएम। गुजरात के जमालपुर में रैली के दौरान रोड बता दें कि रो पड़े सदन ओवैसी, कहा साबिर को जिताओ ताकि दोबारा किसी बिल्किस के साथ नाइंसाफी ना हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी आरएसएस पर सादा निशाना, दोनों को ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बताया माता सीता का विरोधी, कहा कभी नहीं बोलते जय सियाराम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, जी मीडिया से कहा गुजरात में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, इसलिए गली गली में घूम रहे हैं बीजेपी के नेता। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए भारत यात्रा को निकालेंगे नीतीश कुमार, हिमाचल गुजरात के नतीजों के बाद बनाएंगे रणनीति। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद के बीच आज चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई आज बेलगावी का करेंगे दौरा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दोनों मंत्रियों को दी आने की सलाह। पत्रा में नाबालिग से बलात्कार के बाद हत्या, घटना के बाद परिजनों ने किया हंगामा, आरोपी को फांसी देने की मांग, घटनास्थल पर पुलिस जाब्ता तैनात। फिरोजपुर के भारत पाक सीमा के पास फिर मिला हथियारों का बड़ा जखीरा, एक हफ्ते में 2 बार हथियार बरामद, पाकिस्तान की ही तरफ से हेरोइन लेकर आया ड्रोन, तरन तारण में मिला। ईओडब्ल्यू ने पिंकी रानी को जेल ले जाकर किया रिक्रिएशन, टीम ने इस बात की जांच की कि तिहाड़ में कैसे कैसे और किन किन जगहों पर हुई थी सुखे से मुलाकात। सपा नेता आजम खान पर मुकदमा दर्ज, बच्चा पैदा करने वाले बयान पर दर्ज हुई एफआईआर, चुनावी सभा में दिया था आजम खान ने बयान, रामपुर के थानागंज में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज के वायरल वीडियो पर बीजेपी ने कसा तंज, शहजाद पूनावाला ने कहा ग्रामीण लोगों के लिए इस तरह की बातें बोलना निंदनीय है। रोहतक में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बॉन्ड पॉलिसी का विरोध किया, पॉलिसी का विरोध कर रहे एमबीबीएस छात्रों को भी समर्थन दिया। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों पर लगी मोहर, आवासीय विद्यालयों में नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण देने को मिली मंजूरी। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर सादा निशाना, कहा खड़गे को बदनाम करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जयवीर शेरगिल बीजेपी में हुए शामिल, बीजेपी का प्रवक्ता बनाया गया, कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ी थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को मिली जगह। एमसीडी चुनाव के लिए कल शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार, 4 दिसंबर को सभी 250 वार्डों में होगा मतदान। यूपी में उपचुनाव को लेकर डिंपल यादव ने बीजेपी पर सादा निशाना, कहा बीजेपी भले ही पूरी फौज उतार दे लेकिन मैनपुरी की जनता हमारे साथ है। मुजफ्फरपुर के खुडनी में पीएम मोदी की सभा में जोरदार हंगामा, सभा के दौरान सीटी ईटी अभ्यर्थियों ने किया हंगामा, जमकर चली कुर्सियां, विज्ञप्ति जारी करने को लेकर किया हंगामा। सपा विधायक इरफान सोलंकी ने किया सरेंडर, पुलिस कमिश्नरेट में किया सरेंडर। वादित बयान को लेकर आजम खान पर एक और एफआईआर, चुनावी सभा में बच्चों को लेकर की थी अमर्यादित टिप्पणी। तिहाड़ जेल में आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट जारी, एफएसएल के 2 सीनियर और 2 असिस्टेंट नार्को टेस्ट कर रहे हैं और इस केस के बता दें कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी मौजूद है। भारत का खतरनाक गैंगस्टर गोल्डी बरार अमेरिका में गिरफ्तार, सूत्रों के हवाले से खबर, पंजाबी गायक मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े हैं गैंगस्टर की तार, एफबीआई करिए पूछताछ। फिर विवादों में जेएनयू दीवारों पर लिखे गए ब्राह्मण विरोधी नारे, जेएनयू प्रशासन ने मांगी रिपोर्ट, वीसी ने कहा दोबारा बर्दाश्त नहीं होगी ऐसी घटना। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, जल्द किया जाएगा कमेटी का गठन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान, कांग्रेस ने बताया मुद्दों से भटकाने की कोशिश। अखिलेश यादव का रामपुर की सभा में सीएम योगी पर निशाना, कहा मेरे पास भी आई थी योगी आदित्यनाथ की फाइल, लेकिन हम किसी के साथ नहीं करते, नफरत की राजनीति।
घाटी में देशी विदेशी आतंकियों की गिनती का काम पूरा, खुफिया एजेंसियों की मदद से जल्द शुरू किया जाएगा आतंकियों के खात्मे का सबसे बड़ा ऑपरेशन। अभिनेता परेश रावल का गुजरात के खेड़ा में महात्मा गांधी पर विवादित बयान, कहा साबरमती के संत उन्हें अकेले ही नहीं कर दिया कमाल। सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में मिल रही वीवीआईपी सुविधा पर कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, सामने आए चौंकाने वाले सच, तिहाड़ के तत्कालीन डीजी संदीप गोयल ने सुविधा दिलाने में निभाई अहम भूमिका। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण कराने के खिलाफ बनाए गए कानून का विश्व हिंदू परिषद ने किया स्वागत, केंद्र से किया कानून को राष्ट्रव्यापी बनाने की मांग, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा सभी सन्यासी आए साथ। मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्रिश्चियन हाई स्कूल पर टीचर का धर्म बदलवाने की कोशिश का आरोप, शिक्षक ने कहा चर्च आने और धर्म बदलने का बनाया जा रहा था दबाव। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा आप ना मुख्यमंत्री बन पाएंगे और ना बना पाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पुनिया ने पाली में जन आक्रोश रैली यात्रा का शुभारंभ किया, अंबेडकर सर्कल पर विशाल जनसभा को संबोधित कर जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया, कांग्रेस ने उखाड़ फेंकने की बात कही। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जन आक्रोश रैली की शुरुआत की गई, बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी विजया ने बता दें अजमेर विधानसभा क्षेत्र में जाने वाले जन आक्रोश रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने तंज कसा, डॉक्टर किरोड़ी लाल बोले पायलट और गहलोत में सास बहू की लड़ाई चल रही। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के गत 17 अगस्त के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसके तहत आयोग ने जयपुर डेयरी को आरटीआई के दायरे में मानते हुए सूचना मुहैया कराने को कहा था। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सूचना आयोग, पशुपालन सचिव और इसी के साथ आरसीडीएफ समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट को लेकर 59 दिन फिर शुरू हुई सफाई, टाटा प्रोजेक्ट ने सफाई का काम शुरू किया, पहले दिन ज्यादा गंदगी वाली जगहों पर होगी सफाई। राजसमंद सांसद दिया कुमारी के भीम विधायक रावत को चेतावनी, सांसद ने कहा सिटी पैलेस के अंदर आने की भी करना नहीं जरूरत। विधायक सुरेंद्र सिंह रावत को कहा पहले अपने आप को संभाल लो क्योंकि कुछ ही दिनों के मेहमान हो तुम और तुम्हारे मुख्यमंत्री जी भी। उदयपुर के बारापाल इलाके में गोली मारकर टैक्सी चालक की हत्या करने के मामले में खुलासा किया गया है, पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उदयपुर के बेकरिया थाना इलाके में बीएसएफ के एक ट्रक में भीषण आग लग गई, ट्रक में आग लगने के बाद उसमें विस्फोट होने लगा जिसे देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बांसुर के हरसोरा में स्कूटी सवार दो महिलाओं को गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज ने मानसरोवर के वार्ड नंबर 76 में रोड का शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ का गुजरात दौरा, दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए करेंगे प्रचार और बीजेपी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति में की गई नए सदस्यों की नियुक्ति, यूपी से स्वतंत्र देव सिंह और उत्तराखंड से मदन कौशिक बने कार्य समिति के सदस्य। ग्रेटर नोएडा में 10 मिनट तक लिफ्ट में फंसा रहा मासूम, 5वीं फ्लोर पर खराब हुई थी लिफ्ट, मदद के लिए चिल्लाता रहा, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। कानपुर एमपी एमएलए ने सपा विधायक इरफान सोलंकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल, भाई रिजवान को भी जेल, फरार विधायक ने कल किया था सरेंडर। लखनऊ में रेलवे लाइन के पास फ्लाईओवर का किया गया लोकार्पण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया लोकार्पण। लखनऊ के चिड़ियाघर को कुकरेल किया जाएगा शिफ्ट और 102 साल पुराना चिड़ियाघर, प्रशासन ने चिड़ियाघर प्राधिकरण को भेजा प्रस्ताव। ललितपुर में हिंदू महिला वकील से लव जिहाद, शादी का झांसा देकर रेप धर्म परिवर्तन का डाला दबाव, रेप मामले में राजीनामा न करने पर आरोपी आमिर खान ने दी श्रद्धा जैसा अंजाम करने की धमकी। लखनऊ में नौकरी देने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बेरोजगारों को बनाता था अपना निशाना। इटावा में पुलिस ने कार से 32 लाख रुपए बरामद किए, पुलिस ने कार को जब्त करने के साथ दो लोगों को हिरासत में लिया, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों ने लाखों की लूट को अंजाम दिया, सीसीटीवी में कैद हुई लूट की घटना, पुलिस कर रही है बाइक सवार बदमाशों की तलाश।
बहराइच में पुलिस ने कई चोरियों को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्यों को किया गिरफ्तार। 5 आरोपियों की तलाश जारी। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, एम्बुलेंस ने 2 बाइकों को मारी टक्कर। हादसे में एक की दर्दनाक मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। भोपाल गैस त्रासदी की 38वीं बरसी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे पीड़ित, तो भोपाल में होगा सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में प्रचार के आखिरी दिन दिग्गज झोंकेंगे ताकत। सीएम भूपेश बघेल चुनावी सभा को करेंगे संबोधित, रोड शो में भी शामिल होंगे। शाम 5 बजे के बाद सिर्फ डोर टू डोर जनसंपर्क कर पाएंगे प्रत्याशी। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का 11वां दिन आज भी आगर मालवा में पद यात्रा करेंगे राहुल गांधी। बस स्टॉप महुड़िया से शुरू होगा यह सफर। छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण पर लगी मुहर, विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ आरक्षण संशोधन विधेयक। राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया बिल। भोपाल वासियों को दिन करना पड़ेगा जल संकट का सामना। मनुआ भान टेकरी की लाइनों में लीकेज की मरम्मत का होगा काम, कई इलाकों में नहीं आएगा पानी। जनसेवा अभियान कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आए। बैतूल सीएमएचओ, खनिज विभाग के जिला खनिज अधिकारी समेत 4 अधिकारी निलंबित, कहा गड़बड़ी करने वाले नहीं बचेंगे। दमोह में सिंचाई परियोजना की पाइपलाइन फटी, दिनारी गांव में बाढ़ आने से जनजीवन हुआ तहस नहस। कई घरों में रखा बता दें कि समाज और अनाज जो है सामान अनाज बर्बाद हुआ। सीहोर में निजी अस्पताल की लापरवाही से गई प्रसूता की जान, डिलीवरी के बाद बाथरूम में पैर फिसलने से महिला की मौत, परिजनों ने किया चक्का जाम और जांच टीम गठित। जबलपुर हादसे का सीसीटीवी आया सामने, बेकाबू बस ने कई दोपहिया वाहनों को कुचला, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। बस ड्राइवर को हार्ट अटैक आने के बाद हादसा हो गया। नीमच में हाथीपुरा कांड के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की संपत्ति को किया गया जमींदोज। 17 क्विंटल डोडा चूड़ा समेत अवैध हथियार बरामद, फरार तस्कर पप्पू धाकड़ की तलाश जारी। धार के धामनौद में फूड पॉइजनिंग का कहर और शादी का खाना खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार, देवी जी मंदिर में हुआ था कार्यक्रम, मरीजों का इलाज जारी। बीजापुर में निःशुल्क कोचिंग सेंटर की शुरुआत, अफसर बनने का सपना देख रहे युवाओं को बड़ी सौगात, फ्री टेस्ट लेने के बाद 200 लोग फ्री कोचिंग के लिए चुनित। जगदलपुर के मालागांव में चुना बता दें कि चूना खाद धसने से 6 मजदूरों की मौत हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने हादसे पर शोक व्यक्त किया, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। खंडवा में हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव की धूम देखने को मिली और जल महोत्सव में 2 पर्यटकों ने की स्कूबा डाइविंग, 25 फीट पानी के नीचे जाकर रोमांचित हुए पर्यटक। इंदौर में निजी कंपनी की महिला डायरेक्टर ने हेराफेरी का मामला दर्ज करवाया है। कंपनी के अकाउंटेंट और साथियों पर 60 करोड़ के गबन का आरोप लगाया, खातों को सील करने की तैयारी में पुलिस। जसपुर के युवती के धर्म परिवर्तन के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सरगुजा के आबिकापुर में हिंदू संगठन ने आईजी दफ्तर का किया घेराव, आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग। उज्जैन के जीवा जिंगज क्षेत्र में जैन मंदिर से अष्ट धातु की 3 प्रतिमाएं चोरी, करीब 25,000 की नकदी चुराकर चोर हुए फरार, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा को 2 साल की सजा, ग्वालियर की जिला अदालत ने किया सजा का ऐलान, 2014 में महाराजपुरा में सरकारी जमीन का किया था सौदा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निभाया अपना वादा, खरगोन दंगे में घायल हुए शिवम की बहन की करवाई शादी, 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद भेजी। लखीसराय के कजरा एसएसबी कैंप में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे हैं सराहनीय कार्यों के लिए जवानों को सम्मानित किया गया। कटिहार पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया उद्देन और चोरी की बाइक के साथ 9 शातिरों को किया गिरफ्तार। पटना में गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा बोझो कौन का किया गया आयोजन और देश भर से महिला चिकित्सक हुई शामिल। पटना के ज्ञान भवन में इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन, काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं खरीदारी के लिए। लखीसराय के बढ़िया में दिव्यांगों ने 46 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। आरा के मौजपुर में घर में ही जले अवस्था में पड़ा मिला
विवाहिता का शव मायके वालों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी पर बोला हमला, हिंदुत्व को लेकर साधा निशाना। लखीसराय में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, फर्जी अधिकारी बनकर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 सदस्य गिरफ्तार। पालीगंज में आश्रित पे शराब पार्टी का वीडियो वायरल, 5 शराबियों और 2 पुलिसकर्मियों को किया गया गिरफ्तार। मधेपुरा में नगर निकाय चुनाव की नोटिफिकेशन पर बोले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। कुड़नी उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, सभी दलों ने झोंकी ताकत, 5 दिसंबर को उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में होगी बंद। कुड़नी उपचुनाव में महागठबंधन ने गिनाई उपलब्धियां, पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से की जनसभा, इशारों में विपक्ष पर साधा निशाना। ईडी की कार्यवाही पर सियासत जारी, विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर साधा निशाना, कहा सभी भ्रष्टाचारियों की संपत्ति होगी अटैच, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यवाही पर उठाए सवाल। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी, वन संरक्षण अधिनियम 2022 पर जताई आपत्ति, कहा ये नियम स्थानीय ग्राम सभा की शक्ति को करते हैं कमजोर। पटना में भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, निगरानी की टीम ने गर्दनीबाग थाना पुलिस आवास से किया गिरफ्तार। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।